दोस्तों, एक समय की बात है। एक बूढ़े बाबा थे जिनकी दो बहुएं थीं। ससुर जी का काम दोनों ही बहुएं करती थी। अब कार्तिक मास आया तो ससुर जी कहने लगे, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया। कहा, आपका कार्तिक स्नान का काम मुझसे नहीं होगा, आप छोटी बहू से कह दें। तो ससुर जी छोटी बहू के पास गए और कहने लगे, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी, उसने कहा, जी पिताजी आप बताएं मुझे क्या करना होगा। तो ससुर जी कहने लगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना बेटा, रोज़ मेरे नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। अब छोटी बहू रोज़ सुबह 5 बजे उठकर कुएं से पानी भरकर ला देती, जिससे ससुर जी स्नान करते थे, उनकी धोती धोकर सुखा देती और दोपहर में ससुर जी को गरम गरम रोटी बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती धोकर सुखाती तो उसमें से गिरने वाली पानी की बूंदें वहाँ मोती के रूप में इकट्ठा हो जाती थी। पर छोटी बहू इतनी नादान थी कि वह समझ नहीं पाती थी और रोज़ सुबह झाड़ू लगाकर आंगन में एक तरफ मोती का ढेर लगा देती थी। इसी तरह से एक माह निकल गया। अब कार्तिक महीना खत्म होने आया तो ससुर जी ने कहा, बहू मैं कार्तिक समाप्त होने से पहले 2-4 ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहता हूँ। छोटी बहू बोली, पिताजी मैं खाना बना देती हूँ और फिर आपको खेत से बुला लाऊंगी। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेत में बुलाने जाती है और कहती है, पिताजी मैंने खाना बना लिया है, आप घर जाकर ब्राह्मणों को खाना खिला दें और मैं खेत की रखवाली कर देती हूँ। यह सुनते ही पिताजी घर चले जाते हैं। अब छोटी बहू सोचती है कि कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को तो खाना खिला रहे हैं और चिड़िया को उड़ा रहे हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। यह सोचकर वह चिड़िया को दाना खाने देती है और चद्दर तान कर सो जाती है। जब चिड़िया दाने चुग रही होती है तो जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा खेत हीरे मोती से जगमगाने लगता है। पास ही में बड़े भाई का खेत था। वह देखता है कि छोटे भाई का खेत हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। बड़े बेटे से रहा नहीं जाता और वह अपने पिताजी से पूछता है, इसका क्या कारण है। पिताजी कहते हैं, बेटा हम पर तो कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। बड़ा भाई जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझे कहा था, मैंने क्यों मना कर दिया। अब वह साल भर इंतज़ार करती है और जब कार्तिक महीना आने वाला होता है तो जाकर ससुर जी से कहती है, पिताजी आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी कहते हैं, बेटा इस बार मैं कार्तिक स्नान नहीं करना चाहता, अब मेरी उम्र हो गई है। तो बड़ी बहू चिढ़ जाती है और गुस्से में कहने लगती है, आपने छोटी बहू को तो मालामाल कर दिया, अब मेरी बारी आई तो कहते हैं मेरी उम्र हो गई है। नहीं पिताजी, आपको कार्तिक स्नान तो करना ही होगा। ससुर जी थक हार कर हाँ कर देते हैं। बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती, सवेरे कुएं से पानी लाकर उनके लिए भर देती, उनकी धोती धोकर सुखा देती। धोती सुखाते वक्त उसे निचोड़ती नहीं थी, जिससे ज़्यादा पानी गिरे और ज़्यादा मोती इकट्ठे हों। उस पानी से कोई हीरे मोती तो नहीं बने पर जमीन में गड्ढे जरूर हो गए। इधर कार्तिक महीना खत्म होने आया। उसने पिताजी से कहा, पिताजी एक ब्राह्मण को न्योता दे देती हूँ। अब वह जल्दी से खाना बनाकर ससुर जी को बुलाने खेत पर चली गई और खुद खेत की रखवाली करने लगी। खेत में कोई भी चिड़िया दाना चुगने आती तो वह उसे भगा कर कहती, कोई भी एक भी दाना मत खाओ, अभी यह सब मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। धीरे धीरे शाम हो गई। शाम तक उसके खेत में कोई हीरे मोती के ढेर नहीं बने बल्कि उसकी बालियों में दाने भी नहीं रहे। तो वह ससुर जी के पास लड़ने पहुंची। तब ससुर जी ने कहा, बहू तूने तो देखा देखी पैसे के लालच में मेरी सेवा करी, जबकि छोटी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा मिली और तूने देखा देखी करी, लालच करा तो तेरी फसल भी खराब हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे छोटी बहू पर कृपा करे वैसे सब पर करना और जैसे बड़ी बहू पर करी वैसे किसी पर मत करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान रखना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।